हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। बाप दादाओं के खून का बदला लेना संतान का फर्ज है। बहुत हो गया दादा, आगे कुछ न कहिएगा, कहीं मैं भी कोई ऐसी बात न कर रही हूँ। इश्क दीवाना हुसैन भी घायल। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे अदाकार पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि आने वाले सितारों के लिए भी अभिनय का एक पैमाना तय किया है। अब जिस फिल्म में हिंदी सिनेमा के दो महान सितारे पहली बार टकराए वो फिल्म 18 अक्टूबर 1968 को आई संघर्ष, जिसमें दिलीप कुमार, संजीव कुमार, बलराज सानी और वैजयंतीमाला के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन बता दें, एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई और केवल औसत कमाई करने में सफल हो पाई थी। हरनाम सिंह रावल की गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वेटरन दिग्गज फिल्मकारों में होती है। 1963 में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार संग मेरे महबूब जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद उनकी अगली फिल्म संघर्ष की घोषणा 4 सालों बाद हुई थी। बता दें, संघर्ष में लीड रोल के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर हरनाम सिंह रावल ने ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार को साइन किया था कि उस वक्त एक नौसिखिया एक्टर के कानों तक भी ये खबर पहुंच गई कि हरनाम सिंह दिलीप कुमार के अपोजिट एक ऐसे एक्टर को तलाश कर रहे हैं जो उनके सामने टिक सके। इसलिए संजीव कुमार ने सोचा कि अगर वे खुद काम मांगने जाएंगे तो स्टंट फिल्मों का एक्टर मानकर उन्हें काम नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्होंने अपने सेक्रेटरी जमुना दास को हरनाम सिंह के पास भेज दिया। जमुना दास के बारे में बता दें कि वे तब से संजीव कुमार के सेक्रेटरी थे जब संजीव कुमार ने बतौर एक्टर अपना करियर भी शुरू नहीं किया था। इसलिए जमुना ने संजीव कुमार को लेकर कई बड़े फिल्मकारों से बात की, लेकिन उनका प्रयास हर बार असफल हो गया। और बताया तो यहाँ तक जाता है कि कुछ डायरेक्टर तो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जमुना दास की एंट्री पर भी बैन लगा दिया था, क्योंकि उनकी नज़रों में संजीव कुमार तब केवल नौसिखिया एक्टर थे। लेकिन अब संजीव कुमार ने भी तब अपनी कोशिशें जारी रखी और हरनाम सिंह ने जब संघर्ष फिल्म की घोषणा की व संजीव कुमार को जब इस बारे में पता चला तो उनके सेक्रेटरी जमुना दास फिर डायरेक्टर रमेश सहगल से मिले जो कि हरनाम सिंह को बहुत अच्छे से जानते थे। बस ऐसे में फिर रमेश हरनाम सिंह से मिले और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने अहमदाबाद में 12:15 नाम का जो एक नाटक देखा था उसमें संजीव कुमार ने काम किया था, लेकिन अब हरनाम बोले कि उसमें तो हीराबाई जरीवाला थे। ऐसे में रमेश ने उन्हें समझाया कि हरीबाई जरीवाला ने अपना नाम बदल कर अब संजीव कुमार रख लिया है। बस फिर इस तरह संजीव कुमार की संघर्ष फिल्म में एंट्री हो गई और वो दिन भी आ गया जब संजीव कुमार दिलीप कुमार के सामने खड़े थे। वो चाल चलने वाला हूँ कि बचना मुश्किल होगा। अब संजीव कुमार ने ये डायलॉग इतने आत्मविश्वास से अपने ही अंदाज में बोला कि सीन पहली बार में ही फाइनल हो गया। ऐसे में संजीव कुमार की अदाकारी देखकर सभी दंग रह गए और सोचने लगे कि एक नौसिखिया एक्टर कैसे दिलीप कुमार के सामने अपना कमाल दिखा रहा है। अब बलराज सानी भी संघर्ष फिल्म का हिस्सा थे, इसलिए उन्होंने तो तभी यह भविष्यवाणी भी कर दी कि आगे चलकर संजीव कुमार एक बड़े एक्टर बनेंगे। बस फिर इस तरह दिलीप कुमार भी संजीव कुमार के मुरीद हो गए और डायरेक्टर प्रोड्यूसर हरनाम सिंह से बोले कि भाई इस लड़के को कहां से पकड़ लाए। कुलन, दुश्मनी में सब कुछ जायज़ है। वैसे उस टाइम एक अफवाह ये भी फैली थी कि दिलीप कुमार संजीव कुमार से इतने इनसिक्योर हो गए थे कि वे उनके साथ काम भी नहीं करना चाहते थे। बता दें, ये अफवाह तब फैली थी जब संजय खान अपनी एक फिल्म में दिलीप कुमार और संजीव कुमार दोनों को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन कहानी अच्छी न होने से दिलीप कुमार ने करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा एक बात ये भी बता देगी, संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार वाला रोल पहले राजकुमार को ऑफर हुआ था, लेकिन नेगेटिव रोल होने के चलते राजकुमार ने करने से इनकार कर दिया था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हरनाम सिंह रावल संघर्ष फिल्म में पहले मेन हीरोइन के तौर पर साधना को लेना चाहते थे, क्योंकि साधना उनकी पिछली फिल्म मेरे महबूब में भी नजर आई थी और तब उन्हें साइन करने के लिए हरनाम ने कई महीनों तक इंतजार भी किया था। लेकिन अब संघर्ष फिल्म में हरनाम साधना को कुछ इस वजह से नहीं ले पाए क्योंकि साधना तब थायराइड की समस्या से जूझ रही थी, इसलिए फिल्मों से ब्रेक लेकर साधना को इलाज के लिए तब बोस्टन जाना था। बस फिर इस तरह संघर्ष फिल्म में वैजयंतीमाला की एंट्री हो गई, लेकिन अब वैजयंतीमाला को साइन करने से दिलीप कुमार नाराज हो गए, क्योंकि दरअसल 1964 में आई संगम फिल्म में वैजयंतीमाला ने राज कपूर संग काम किया था और इंडस्ट्री में ये बात किसी से छिपी नहीं कि दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच 36 का आंकड़ा था। लेकिन अब दिलीप कुमार वैजयंतीमाला की जोड़ी भी हिट थी और दोनों की साथ में आई मोस्टली फिल्में भी बड़ी हिट रही थी। ऐसे में निर्माताओं के सामने तब परेशानी खड़ी हो गई
बस फिर कुछ इसी वजह से 1967 में आई फिल्म राम और श्याम वैजयंतीमाला के हाथ से निकल गई और वहीदा रहमान को मिल गई। ऐसे में जहां कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला के बीच सुलह सायरा बानो ने कराई, वहीं कुछ ऐसी अफवाह भी थी कि संघर्ष फिल्म की शूटिंग के दौरान एक टाइम वैजयंतीमाला की जगह वहीदा रहमान को लेने की भी बात चली थी। और ये तब की बात है जब फिल्म की शूटिंग करीबन खत्म होने वाली थी। क्या ये सच है कि तुम्हारा मोह एक दिखावा था और तुम हमारे शत्रुओं से मिली हुई हो? क्या ये सच है कि मुझे प्रेम की धारा में बहाकर तुम मुझे मौत के घाट उतारने आई थी? तुम्हारी जहरीली जबान से मैं अपना नाम भी नहीं सुनना चाहता मुन्नी। खैर अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि संघर्ष दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की साथ में आई लास्ट फिल्म रह गई, क्योंकि इसके बाद फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। संघर्ष फिल्म की कहानी में काफी गहराई है, इसलिए दिलीप कुमार के बचपन वाले किरदार में पहले मदर इंडिया फिल्म में सुनील दत्त के बचपन वाला रोल निभाने वाले साजिद खान को साइन किया गया था, लेकिन एक हॉलीवुड फिल्म करने के लिए साजिद ने संघर्ष फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद फिर इस रोल में डिंपल कपाड़िया को भी कंसीडर किया गया, लेकिन हरनाम सिंह को डिंपल की उम्र थोड़ा ज्यादा लगी तो रोल दिलीप धवन की झोली में जा गिरा, और दिलीप धवन की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ये डेब्यू फिल्म थी। और इस फिल्म में दिलीप धवन ने जहां दिलीप कुमार के बचपन का किरदार निभाया, वहीं इसके बाद आगे चलकर 1990 में इज्जतदार फिल्म में उन्होंने दिलीप कुमार संग स्क्रीन शेयर की थी। वैसे एक बात यह भी है कि दिलीप धवन से उम्र में करीबन 2 साल छोटी होने के बावजूद डिंपल को फिल्म से क्यों निकाला, ये बात समझ से परे है। हाँ, ये हो सकता है कि लड़की होने से डिंपल को इग्नोर कर दिया गया हो और दिलीप धवन को लड़का होने का फायदा मिला हो। बता दें हरनाम सिंह रवैल के बेटे राहुल रवैल ने 1990 में आई अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के जीवन एक संघर्ष का ओरिजिनल टाइटल पहले संघर्ष रखा था, लेकिन फिर बाद में कुछ वजहों से टाइटल बदल दिया। वहीं इसके बाद आगे चलकर 1999 में अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की भी एक फिल्म संघर्ष टाइटल से ही रिलीज हुई थी। संघर्ष फिल्म में संगीत दिया नौशाद अली ने, वहीं गीत लिखने का काम किया शकील बदायूनी ने, जिनके लिखे 7 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। जब दिल से दिल टकराता है तेरे हुस्न मेरा प्यार के। अब संघर्ष फिल्म के मोस्टली गीत अच्छे हैं जिन्हें सुनकर मन गुनगुनाने लगता है। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी का गाया मेरे पैरों में घुंघरू तो न केवल ऐसा गीत है जो सिमारू एंटरटेनमेंट की 101 मोहम्मद रफ़ी हिट्स में शामिल है, बल्कि 2010 में वे बिहार विधानसभा इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव ने भी इस गीत को चुनाव प्रसार के दौरान खूब बुनाया था। संगीतकार नौशाद अली और गीतकार शकील बदायूनी की जोड़ी 50 और 60 के दशक की काफ़ी फेमस जोड़ी हुआ करती थी। दोनों की साथ में आई पहली फिल्म 1947 में आई दर्द थी, जिसके बाद दोनों ने लगभग 30 फिल्मों में एक साथ गीत संगीत दिया। 1952 में आई बैजू बावरा से लेकर 1957 में आई मदर इंडिया और 1960 में आई मुगल आजम, जहां इसी जोड़ी के गीत संगीत की मेन फिल्में रही। वही हरनाम सिंह रवैल की पिछली फिल्म मेरे महबूब को भी म्यूजिकल हिट बनाने के पीछे यही दोनों शख्स थे। लेकिन अफसोस जताने की बात यह है कि 20 अप्रैल 1970 को गीतकार शकील बदायूनी की मौत होने से संघर्ष इन दोनों लेजेंड की साथ में आई लास्ट फिल्म रह गई। दिलीप कुमार की 1968 में 2 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें संघर्ष के अलावा दूसरी फिल्म आदमी थी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्हें इन दोनों ही फिल्मों के लिए फिल्मफेयर में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था और वे एक भी अवार्ड नहीं जीत पाए थे। वैसे संघर्ष फिल्म के लिए दिलीप कुमार को मिला जहाँ ये एकमात्र नॉमिनेशन था, वहीं 32 में बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में संघर्ष फिल्म को कुल 5 नॉमिनेशन मिले थे और 5 ही जीते थे, जिसमें 4th बेस्ट इंडियन फिल्म, बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार, बेस्ट एक्ट्रेस वैजयंतीमाला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जयंत और बेस्ट डायलॉग के लिए गुलजार और अबरा रलवी को अवार्ड मिले थे। संघर्ष फिल्म की कॉस्ट्यूम 18वीं शताब्दी के भारतेंदु एरा से इंस्पायर्ड लगती है और ऐसी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का क्रेडिट हरनाम सिंह रवैल की वाइफ अंजना रवैल को जाता है, जो कि संघर्ष फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। वो कलकत्ते की मशहूर नाचने वाली कौन है जिसे नवाब ने लैला ए आसमान का खिताब दिया? फाइनली संघर्ष फिल्म जानी जाती है सभी कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी के लिए, यहाँ तक इसी फिल्म से सभी ने संजीव कुमार की अदाकारी का लोहा भी माना था। ऐसे में कुछ लोग इसी फिल्म को संजीव कुमार की डेब्यू फिल्म भी मानते हैं, लेकिन बता दें ये संजीव कुमार की डेब्यू फिल्म नहीं थी, बल्कि संजीव कुमार की डेब्यू फिल्म हम हिंदुस्तानी थी,
जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। और फिर इसके बाद उन्होंने कोई 14-15 फिल्में और की थी और तब कहीं जाकर उन्हें संघर्ष फिल्म मिली थी। पहली बार यहाँ आए हो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए, क्यों? दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता। वैसे संघर्ष फिल्म की कहानी को लेकर भी बता दे कि इसकी कहानी एक बंगाली शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता राइटर महाश्वेता देवी ने लिखा था। सो संघर्ष फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।